हाँ ठीक है, डन कर दो। सर प्लीज, इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट वर्थ इट सर। यू आर ट्राइंग टू टीच मी? तुम वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं। सर 7 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, आप 7 मिलियन दे रहे हैं? मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। मिलाएं जरा यादव साहब को, बैठ कर हैरत है तलाल भाई, आज मुर्दे में जान कैसे पड़ गई? 10 साल से बंद बिल्डिंग, एक नाकाम प्रॉपर्टी और आज। ऐसा होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है, किस्मत कब किसकी मेहरबान हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। इस वक्त दुबई की 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बोली लगा रही हैं, आज ग्रुप ऑफ कंपनीज और जलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, और मेरे ख्याल में बिल्डिंग उसी की होगी जो बेहतर टर्म्स और कैश चेक देगा। बोलो। अच्छा और वकार, मैडम आज खुद बात करना चाहती हूँ उनसे। ठीक है, बात करो। आज मिस्टर तलाल इज ऑन द लाइन। जी बात, बस जस्ट लिसन, डोंट रिएक्ट। ऑफर किया कितना? वेल बस खलास, नहीं खरीदता। क्या टेक केयर ऑफ दानियाल, ओके? अच्छा ओके, बाय बाय। ओके परेशान है ना? चले, हम बिल्डिंग नहीं खरीदते हैं। जी थैंक्स गॉड, बड़ा सही फैसला किया आपने, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हकीकत यह है कि ये एक डिसीजन हमारी कंपनी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता था। आपकी बेटी गोल गप्पे या चिकोर गप्पे बहुत अच्छे बनाती है ना? जी नहीं नहीं, वैसे समोसे बहुत अच्छे बनाती है। आप कभी आइए ना घर में, आपको पाकिस्तानी चीजें बहुत अच्छी लगती है। वो क्या था अदाकार का नाम जो आपको बहुत अच्छा लगता है? सुल्तान राई सावन, कौन था जी? कोई एक्टर? मुझे तो मैडम बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो कोई फिल्म ही नहीं देखी। आपकी बेटी का नाम क्या है? अंधेरा ना? जी नहीं, सवेरा। I'm so sorry, सवेरा। वैसे दानियाल साहब, आप कभी बेहोश हुए? जी? नहीं, कभी ऐसा शर्फ हासिल नहीं हुआ मैडम। जाहिर है आप तो इतने होशमंद हैं। जी आई टाइप जी, जी।
है जी? शिकार, आर यू ऑलराइट मैडम? हाँ ऑफ कोर्स। आप जानते हैं कि शिकारी में और शिकार में फर्क क्या होता है? जी वो मैं बताती हूँ। शिकारी की नजर बहुत तेज होती है और शिकार आंखें बंद कर देता है। वैसे वाकई तुमने ठीक प्लान किया है, यू मस्ट इंटरव्यू हिम। ही इज वो अपनी नौयत का एक अनोखा और अजीब किरदार है। देखो मेरे लिए गनी भाई महफूज किश्ती वाले से मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आफ्टर ऑल वो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग है। उनसे मिलने के बाद मुझे यकीन है कि मुझे आज ग्रुप ऑफ कंपनीज की सिर्फ नहीं बल्कि दुबई के बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरे लिए इससे बढ़ के ज्यादा एक्साइटिंग क्या हो सकता है? अरे तुम्हें क्या हो गया? जर्नलिस्ट भी कितने अजीब होते हैं, हर शख्स को टूल समझते हैं, इंसान या फर्द नहीं, बस इंफॉर्मेशन गर्दानते हैं, हैपनिंग समझते हैं। नहीं समीरा, मैं तुमसे अग्री नहीं करती। ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम ये मैसेज के लिए कर रहे हैं, हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मेरी नजर में इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी इन एनी केस मैं तो जा रही हूँ महफूज भाई गनी किश्ती वाला से मिलने। गुड, तुम अपने प्रोफेशन से इतनी कमिटेड हो। ये तो मुझे पता नहीं लेकिन ये जरूर पता है कि मैं आज ग्रुप के फीचर से डेफिनेटली कमिटेड हूँ। क्या बात है जनाब, बड़े ही दिमाग से काम हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आइडिया मेरा है और मेरा ख्याल है कि आइडिया इनिशिएट करना बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, बल्कि आइडिया इनिशिएट करना ही तो क्रिएटिविटी है, क्योंकि बाकी सारा काम तो आप बेसिक आइडिया से इंस्पिरेशन लेके कर सकते हैं। फैसल, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ना तो वो आपका है ना वो मेरा है, इट्स अ मैटर ऑफ टीम वर्क। ये हुई ना बात। पता है फैसल, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है दैट बहुत सी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं, बहुत सी चीजें योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जैसे जो किताबें आप पढ़ रहे हो, जिस अहद में आप हो, जिन लोगों से आप मिल रहे हो, आपका माहौल, जो गाने आप सुन रहे हो, दिस ऑल क्रिएट्स अ बेस फॉर क्रिएटिविटी। मेरे ख्याल है आपने बहुत फलसफा बोली है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो, आई विल टेक यू आउट फॉर लंच। सो दिस इज अगेन माय आईडिया। एक तो ये क्या बात है कि हर चीज की तुमने क्रेडिट लेनी होती है, लेकिन एक चीज तो मुझे बताओ, ये लंच की क्रेडिट ले रहे हो या भूख की? भूख का। मेरा ख्याल है कि मैं नैलर उठा दूंगी, हम लोग लंच पे जा रहे हैं, ठीक है? हाँ नैलर, हाँ मुझे लंच पे जाना, हाँ प्लीज। हुनर तो हर एक में होता है जर्नलिस्ट जी। कमाल ये है कि उसको कौन किस तरह बेपूछ करता है या जाया कर देता है। बेपूछ रखना भी जरूरी नहीं होता, सबसे बड़ा फन है उसका इस्तेमाल। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे हो सकता है? उसको कीड़ा समझना और कीड़ा पने दे। कीड़ा? ये कीड़ा वीड़ा कहाँ से आ गया जी बीच में? मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। ए, नहीं समझी? मुझे पता था कि तू नहीं समझेगी। मैं काहे को, मैं समझाता हूँ। कीड़ा जो गंदी नाली के अंदर भी चला जाता है और साफ सुथरे कालीन के अंदर भी अपना रास्ता बना लेता है। अब दूसरों को तो पता ही नहीं होता कि कीड़ा अंदर है कि नहीं, लेकिन कीड़े को खबर होती है कि कौन किधर है किधर नहीं। मगर कीड़ा तो किसी के पांव के नीचे आके कुचला जा सकता है। अरे नहीं, नहीं, मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा है जो उड़ नहीं सकता। ओके आई सी, परों वाला कीड़ा। मगर उसके परों के बारे में किसी को पता ही नहीं होता। पर ये कैसे मुमकिन है जी? मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा। क्या नाम बताया? मलाइका। अब मैं आपको अपना नाम बताता, मेरा नाम गनी भाई है। मैंने अपना तकल्लुस रखा मेपूज किश्ती वाला, गनी भाई मेपूज किश्ती वाला। आप मेरे को गनी किश्ती वाला या मेपूज किश्ती वाला बोल देना है। क्या बात है जी आपकी। तो आप, मेरा ख्याल है
जरासीम की यानी कि जर्म्स की बात कर रहे हैं? डॉक्टर या साइंसदान अपनी खोजबीन से देख लेते हैं। यू मीन वायरस? वो वायरस जो कंप्यूटर नेटवर्क में भी आ जाता है। वही तो बोला। ऐसा है कि मुझे बचपन में ना कश्तियां चलाने का या कश्तियां बनाने का बड़ा शौक था। मैं कागज की किश्ती बनाता था। मेरी माँ दाबड़ा ना, दाबड़ा। दाबड़ा क्या होता है? भाई दाबड़ा गोल सा होता है ना, उसमें पानी डाल के दे देती। अच्छा। मैं कश्ती उसमें छोड़ देता था, कश्ती गीली हो जाती थी, डूब जाती थी। मैं रोने पर लग पड़ता था। मैं अभी भी बहुत रोता हूँ। तूने कमीज क्यों नहीं पहनी काकू? लड़की के सामने जलील करवा दिया ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब जा, जा। गलती मेरी, इसको पता नहीं था ना। अच्छा अच्छा। आप आने का बात करने का। हाँ, तो फिर मेरे वालिद से मरूम यूसुफ से उन्होंने मेरे को डुगडुगी वाली ना कश्ती बना के दी, वो जिसमें मोमबत्ती लगी होती है। हाँ, डुग डुग वो वाली कश्ती बना के दी। उसके बाद मैंने तैयार कर लिया कि मैं बड़ा हो के सिर्फ किश्तियों का ही काम करूंगा। अब मैं बस छोटी छोटी किश्तियां बनाता हूँ ना। जर्नलिस्ट जी, आपको मेरी ये जगह कैसी लगी? Absolutely amazing, कमाल की जगह आपकी तो। हम खुद कमाल है तो जगह भी तो कमाल होगी ना। देखिए ना जी, हम भारी की खबर रखते हैं तो हमारी खबर क्यों नहीं लग सकती? आप अब ऐसा करो कि मेरी तस्वीर अपनी मैगजीन की फ्रंट पे लगाओ, फिर मैं आपको कुछ। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी महफूज भाई। तो मेरे को महफूज किश्ती वाला बोल या गनी किश्ती वाला बोल, ये बाप बाप ये मत बोला। वैसे तू यहाँ काय को आई? आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का तो आपने सुना ही होगा। मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे उनके बारे में कुछ मालूमात दे दें तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। देख ना, तू मेरा इंटरव्यू लगाएगी ना तो मैं तेरी ऐसी खबर लूंगा। क्या? मेरा मतलब है ऐसी खबर दूंगा कि तू क्या याद रखेगी। लेकिन महफूज भाई, मेपूस आपका नाम नहीं आने को है? कुछ नहीं होगा, आपका नाम नहीं आएगा। यू कैन ट्रस्ट मी, आई मीन आप पूरी तौर पे मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। ए, क्या बोल रही है? आई न्यू इंग्लिश, आई कुड स्पीक। क्या क्या कह रहे हैं आप? आप तू जा, फिर मिलेंगे तो फिर और बातें बताऊंगा। नहीं, आप मुझे अभी बताएं आज के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? इसको तो पीछे रख, बंद कर इसको, राज की बात है। आज सुबह, दोपहर, सिपहर, शाम, रात में तकसीम हो रही है। उसके जायदाद के हकदार पैदा हो गए। अली बदरुद्दीन, जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। शमरोज, हम सोचता हम अपना जर्मीना को तुम्हारा बेगम साहब की तरह मेम साहब बनाएगा। हमारा मैडम मेम साहब नहीं है, मैडम साहिबा है। वो तो बहुत पढ़ा लिखा औरत है। तो हम कब कहता कि हम अपना जर्मीना को अपने जैसा बनाएगा? अलवशे, तुम अपने आप को किसी से कम क्यों समझता है? हम तुम्हारा मेम साहब की तरह गिट पिट अंग्रेजी नहीं बोल सकता। इंसान का अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इंसान का इंसान होना जरूरी होता है। और हम अपनी जर्मीना को इंसान बनाएगा, एक अच्छा इंसान। शाह, शाह। खैरियत?
इतनी भाग दौड़? क्या कोई खास बात है? सर प्लीज मेरा फीचर पब्लिश ना होने दीजिएगा। ये क्या बात है, हर दफा मना कर देती हूँ। सर मैं क्या करूँ, रोज कोई नई और अनोखी बात पता चलती है और एक एक स्टोरी अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है। अब क्या चल गया आज ग्रुप के बारे में? आई डोंट नो सर, आप पहले मुझे उससे सिर्फ एक बार मिल लेने दीजिए। किससे? अली, अली से सर। अली वो कौन है? क्या इसका भी आज ग्रुप से कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है सर, बहुत गहरा ताल्लुक है। ओके गो अहेड। सर आपके ख्याल में हमें इस डील से कितना फायदा हो सकता है? चार गुना मुनाफा तो हमें होगा। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल इवनिंग। बड़े दिनों बाद आपने हमें अपनी शाम में शामिल किया, हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें भी तो ये खुशी अचानक मिली है। और आज ग्रुप वो पार्टी देख कर तंग रह जाएंगे। बहुत देर से आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर, वो बात यह सर के दानियाल बातें बाद में होंगी, अभी तो हम उस बात को एंजॉय कर रहे हैं जो तुमने पहले बताई थी। हमने 10 मिलियन ब्लॉक कर दिया है और उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें तुम्हारा भी शेयर है। हम गम और खुशियों में अपने दोस्तों को याद रखते हैं। लेट्स एंजॉय, बातें बाद में होंगी दानियाल, लेट्स एंजॉय। हुदा, यू टोल्ड मी दैट यू गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग टुनाइट एंड दिस इज द नाइट, कम ऑन go and sing a song. आर्किटेक्ट है वो लड़का, इल्हाम और वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब दोनों तोरा तोरा
कुछ ऐसे ही लग रहा है। हिया शो तिफ्तिकर बिहार मौजूद है। वो तो काफी खुश है फैसल के काम से, लेकिन दलाल बिल्डर्स के सेंट्रल प्लाजा के सौदे की कुछ समझ में नहीं आ रही। लुक हु इज आस्किंग व्हाट यू टोल्ड मी दानियल थोड़ा थोड़ा ऊपर हो गया, उसको थोड़ा जलाल की नजर में नहीं चाहिए क्या? I don't know what you mean. समझ जाएगा, थोड़ा तैरो, समझ जाएगा। रफीक नासिर की जो बात है वो आप छोड़ें, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। मुझे लगता है कि जलाल अली बदरुद्दीन को जमशेद का कानूनी वारिस बनाकर आज ग्रुप ऑफ कंपनीज के एसेट्स को हासिल करना चाहता है। ये इतनी आसान बात नहीं है, ये तो भी कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस लेवल सब देखने पड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि द डिसीज्ड मरहूम उसके पीछे क्या छोड़ के गए। उस वक्त तो हम बैंक्रप्सी पे थे। बस ये हकीकत है और इसी बेसिस पे फैसला होगा। तो जलाल और उनके लीगल एडवाइजर किस बुनियाद पे काम कर रहे हैं? तो उनकी पिटीशन बताएगी कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी तरफ से तो हम दावे का इंतजार कर रहे हैं। जब तक हमें ना पता चले कि उनका इंटेंशन क्या है, उसके बगैर हम कैसी तैयारी कर सकते हैं? लेकिन आपकी क्या राय है इसमें? अगर अली को मुझसे कुछ चाहिए तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अगर जलाल ने ऐसी कोई मूव की तो इसके बारे में आप फिक्र ना करें। आप कभी अली को मदद करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, मगर आपसे कोई चीज वो हासिल करना चाहें ये बहुत मुश्किल बात है। अच्छा होता अगर जमशेद का बेटा मुझसे मिल लेता, वो गलत हाथों में। I feel very sorry for him. अली ये है वो कातू, कातू ये अली बदरुद्दीन, ये जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। ये है अली, अली बदरुद्दीन जमशेद का बेटा। जी मुझे अली बदरुद्दीन कहते हैं। तू इनको नहीं जानता लेकिन ये तेरे को। तुम जानते हो आज क्या डेट है? आज तुम्हारे बाप का बर्थडे है। और आज के दिन मुझे बहुत याद आया। पर मैं उस औरत ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या जानते हो तुम, क्या बताया गया है तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में, कि वो कार एक्सीडेंट में मर गया? जी, यही बताया गया था। वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था। What? ऐसा कैसे हो सकता है? It was a car accident. गाड़ी एक गहरे खड्ड में जाकर गिरी थी। ऐसा जाहिर किया गया था। उस रोज वो उस कार में बैठ के गए, वो कार उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कुचली पाई गई, लेकिन अपनी जगह पर ये भी एक हकीकत है कि बदरुद्दीन की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? राज, ये राज मैंने सालों से अपने अंदर छुपा के रखा है कि उनका कत्ल किस लिए किया, इकसा करने के लिए। जब तुम्हारे सामने आप मेरे वालिद को कब से जानती हैं? इस औरत के मिलने से पहले हम दोनों दूसरे से बहुत खुशहाले थे। तुम्हारे बाबा ने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तुम्हारी माँ को बहुत याद करते थे,
जोहरा नाम था ना तुम्हारी वालदा का, और तुम्हारी पुप्पो बतूल। उन दिनों जमशेद यहाँ नए नए आए थे जब तुम्हारी पैदा हुई थी, अल्हाम नाम हमने रखा था उसका। हमारा याद है कि हम यहाँ वही में बुलाएंगे। तुम्हारे बाबा तुमसे और तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते थे। ये सब कुछ वो तुम लोगों के लिए तो कर रहे थे, आज ये बिजनेस एम्पायर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंदौर का एक सिरा तो थमा दिया। परेशान करना मेरा मकसद नहीं था, वो तो मुझे महफूज के जरिए तुम्हारा पता चला। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाप के कातिलों से उनके कत्ल का इंतकाम लो। बिल्कुल बेफिक्र है, मुझ पर छोड़ दें, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके मरहूम वालिद की दूसरी बीवी दुबई में होती है। वक्त आने पर मैं ये सब बातें आपको बता दूंगा, लेकिन आप जरा पहले इसे बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो फाइन, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपना हक लेना अच्छी तरह जानता हूँ। अली, आप हक मांग भी तो सकते। मैं भिखारी नहीं हूँ जो मांगता फिरूं। आप बात करके तो देखें। बात करने की और मुझे मेरी माँ बनकर अपनी शफकत के झूठे जाल में फंसने की बहुत कोशिश कर चुकी है वो, लेकिन मैं सब काम अपने तरीके से करना चाहता हूँ। नहीं अली, मेरा ख्याल है आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो बेसिकली एक अच्छी खातून है और काफी कंफर्टेबल सी हैं। आप एक कातिला को अच्छी खातून कह रही हैं? She's a damn murderer. Calm down, अली, please relax. क्या कह रहे हैं आप? मेरे बाप को कत्ल किया गया था। आप जानते हैं दोनों को? ये फैसल है, इज एन आर्किटेक्ट, और इनके साथ जो है ना वो इंटीरियर डिजाइनर है। जानता हूँ, बहन है वो मेरी। अच्छा, रियली? हेलो, हेलो चीफ, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मलाइका बोल रही हूँ। देखिए, मैंने आपको मना किया था ना कि अभी मेरा फीचर पब्लिश ना कर। इधर बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है, अजीब और गरीब बातें पता चल रही हैं। मुझे अभी ये फीचर कंप्लीट करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो वहाँ क्यों ठहरी हुई? और ना सिर्फ कि वहाँ ठहरी हुई हो बल्कि उसकी मुलाजमत भी कर रही हो। भाई आपने मुझे खुद कहा था कि उसके पास जाओ।